लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, करों को कोरोना से बचाने फ्री वैक्सीनेशन की मांग के साथ आज बीजेपी नेता विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, अनंत सुतार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आयुक्त से चर्चा के दौरान लोक नेता गणेश नाइक ने मनपा के बजट का आधा पैसा कोरोना वैक्सीनेशन पर खर्च करने का सुझाव देते हुए नवीन भाई करों को शीघ्र फ्री वैक्सीन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि बजट का 150 करोड़ रुपए खर्च होता है तो 15 लाख की आबादी को कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता है। इस दौरान मानसून के दौरान पैदा होने वाली कई नागरी समस्याओं के समाधान और छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित करने को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए रिपोर्ट। लोक नेता गणेश नाइक ने आज एक बार फिर नवीन भाई करों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की मांग पर जोर दिया। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने अपनी 6 महीने पुरानी मांग को दोहराते हुए बजट का आधा पैसा आरोग्य सेवाओं पर खर्च करने की मांग की। उन्होंने मनपा के 271 करोड़ के सीसीटीवी योजना का विरोध करते हुए कहा कि आज कोरोना से सुरक्षा की जरूरत है। इसके लिए यदि बजट का 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो इससे नवंबई की 15 लाख की पूरी आबादी को कोरोना से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हेल्थ फैसिलिटी या कोविड मैनेजमेंट पर खर्च होगा तो कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। लोक नेता गणेश नाइक ने कहा कि आज जिन लोगों के पास पैसा है वे तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन जो स्लम रहवासी या सामान्य लोग हैं वे वैक्सीनेशन के लिए हताश हैं। उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है। आयुक्त के साथ आज की बैठक में गणेश नाइक ने इसी मुद्दे पर जोर दिया। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय आयुक्त महोदय से मैंने मांग की थी कि सन 2020 और 2021 का जो बजट है उसमें से आधी जो भी बजट के अमाउंट है वो हेल्थ पे, आरोग्य पे खर्चा करो। उस टाइम में मैंने मांग की थी कि भाई ये बजट में से 150 करोड़ रुपया यानी 15 लाख की बस्ती है तो 1000 रुपया एक वैक्सीन का अपन कॉस्ट पकड़े तो 15 लाख बस्ती के लिए 150 करोड़ की लागत लगने वाली है। तो जो बजट के आधा बजट भी आरोग्य के लिए चला गया, लोगों की जान बचाने के लिए, तो कोई भी इंसान, कोई धर्म का, जात का, पंथ का, वर्ण का, कोई पार्टी का इंसान भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा। जो पैसा न होने के कारण अरे हताश और निराश होकर जो बैठे हैं उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है और वही मांग मैंने आज की है। बताना जरूरी है कि पीएम मोदी ने देश के सभी नागरिकों के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने उम्मीद जताया कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि आज झोपड़पट्टी, LIG और ग्रामीण इलाकों के नागरिक टीका लेकर खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने के कारण परेशान हैं। इसके समाधान के लिए गणेश नाइक ने प्राइवेट अस्पतालों को दिए गए 25% वैक्सीनेशन कोटा का इस्तेमाल स्लम और LIG इलाकों में करने पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि आयुक्त इसे करने की कोशिश जरूर करेंगे। माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधान, इन्होंने पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया और मेरे अंदाज से 1 दिसंबर तक इसकी मैक्सिमम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो मैंने आज वही मांग की है कि 25% जो प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया गया है, मैंने आयुक्त से ये बोला कि ये जो 25% जो है वही आप लोग टैप करो, मतलब उसको कांटेक्ट करो और ये झोपड़ी इलाके में, गांव खेड़े में और LIG कॉलोनी में भी जो लोग हैं जिनको बचने की इच्छा है लेकिन पैसा उनके पास नहीं है। हाईलाइट मैंने किया कि आखिरी आज के मीटिंग का हमारा प्रमुख मुद्दा है कि लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करो, गरीब लोगों को। गणेश नाइक ने इस दौरान मानसून से जुड़ी समस्याओं के समाधान और छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कोरोना की तीसरी और चौथी संभावित लहर को देखते हुए बाहर से नवंबई में आने वाले लोगों की मेडिकल फिटनेस जांच करने का भी सुझाव दिया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने तुर्वे शमशान में ग्रामीणों के लिए विशेष व्यवस्था करने और वरिष्ठ नेता आनंद सुतार ने शिव कॉलोनी में ट्रांसफार्मर के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिसे आयुक्त ने स्वीकार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।